हेलो स्टूडेंट्स, तो बिहार स्पेशल एमसीक्यू में आपका स्वागत है। ऐसे ही लगातार जुड़ते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, और सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए। सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। अटल अतुल आनंद, शाहीन अंसारी, रोशन जी, फरहत जुबीन, रोशन कुमार, सुमित शर्मा, सचिन अंसारी, शाहीन अंसारी, शशि कुमार, आईसी वाह, सबका ढेर सारा स्वागत। मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। आज मैंने जो प्रश्न लिया है, आज बिल्कुल इजी प्रश्न लिया है और कुछ फैक्चुअल प्रश्न लिया है। जैसे बिहार में कितने अनुमंडल हैं, बिहार में कितने जिले हैं, बिहार में कितने प्रमंडल हैं, ये सारी बातें मैंने लिया है। बिहार के राजकीय पक्षी कौन सी है, राजकीय पशु कौन सा है, राजकीय वृक्ष कौन सा है, ये सारी बातें मैंने लिया है। ध्यान से सभी लोग इसमें आंसर मुझे लगता है। पूजा कुमारी आशीर्वाद शुभकामना, राधा कुमारी शुभकामना आशीर्वाद, चंदा कुमारी, आयुष कुमार जी, निकिता, पूजा, सबको शुभकामनाएं आशीर्वाद, अरविंद कुमार जी सबको आशीर्वाद। देखो भाई, इसमें आपको 15 में 15 क्वेश्चन का उत्तर देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब बाकी अगर कोई गलती होता तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15 प्रश्न का उत्तर यदि आपको जानते हैं तो ये अच्छी बात है, एक सामान्य ज्ञान है। ये बिहार स्पेशल है लेकिन बिल्कुल सामान्य है। सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दो, अधिकतम लोगों तक सेशन को शेयर कर दो। चलिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या 25 मार्च? सभी लोग आंसर कीजिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आशुतोष राज जी, गुड इवनिंग। आईसी वल्लाह छह, गुड इवनिंग। कुमार सुजीत जी, शुभकामनाएं। फ्रैंकी रचित, शिवम कुमार, मंटू जी, सभी लोग का स्वागत। राजा लाल, सबका स्वागत है भैया। सही उत्तर क्या होगा? 22 मार्च। क्या सही उत्तर होगा? 22 मार्च को, 22 मार्च को मनाते हैं बिहार दिवस। क्यों? क्योंकि 22 मार्च, नोट कर लीजिए, 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुआ। नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, बिहार की स्थापना की गई, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन बिहार, नोट कर लो ये भी, बिहार गवर्नर वाला प्रांत कब बना? बिहार गवर्नर वाला प्रांत कब बना भैया? बिहार गवर्नर वाला प्रांत कब बना, जल्दी बताओ? 1919 में। और पहले गवर्नर कौन बने? पहले गवर्नर कौन बने मेरे भाई? सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, प्रसन्न सिन्हा ये बने पहले गवर्नर बिहार के। बिहार के पहले गवर्नर कौन बने? सर स्वतंत्र प्रसन्न सिन्हा। और आप कहेंगे कि सर जयराम दास दौलतराम, जयराम दास दौलतराम तो आजाद भारत के, बिहार के पहले गवर्नर पूछे तो जयराम, सॉरी, तो क्या बोलेंगे? जयराम दास दौलतराम। लेकिन पूछा जाए जब बिहार गवर्नर वाला प्रांत बना 1919 में, तो पहले गवर्नर सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बात करें सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा की, तो याद रखना सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में मेंबर बनने वाले पहले भारतीय सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। नोट कर लो, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में, उसके एग्जीक्यूटिव में मेंबर बनने वाले पहले भारतीय सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। नोट कर लीजिए, बिहार की स्थापना 1922 में, 1911 में लगा था दिल्ली दरबार, 1911 में लगा दिल्ली दरबार। कौन आया? जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी। और निर्णय लिया गया तीन, दिल्ली दरबार में तीन निर्णय हुआ, बंगाल को बिहार से अलग कर देंगे, बंगाल का विभाजन रद्द किया गया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। ये सब किया गया कब? 1911 के दिल्ली दरबार में। अगला प्रश्न बेहद ही आसान है, बिहार की राजधानी, हालांकि इस क्वेश्चन को पूछा नहीं जाएगा, बता दीजिए कहाँ है भैया? पटना। बिहार की राजधानी पटना, ये आसान प्रश्न है। चल नेक्स्ट आते हैं, आगे आते हैं भाई, आसान सा प्रश्न ले लिया गया आपके लिए। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? चलिए, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, साथ में आप ये भी बता दीजिए इसका स्थापना कब हुआ। आपसे मैं एक नया प्रश्न पूछ रहा हूँ, बिहार उच्च न्यायालय का स्थापना, बिहार उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? स्थापना जल्दी बता दो, बिहार उच्च न्यायालय का स्थापना। यहाँ पर एक नया ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916,
ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1918। जल्दी बताओ, बिहार उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? उच्च न्यायालय तो पटना में है, इसका सही उत्तर होगा पटना। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है भैया? पटना। दूसरा प्रश्न जल्दी उत्तर दो, बिहार उच्च न्यायालय, बिहार के हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1915, 1916, 1917 या 1918? जल्दी से बताइए। बिहार हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई? सभी लोग का आंसर आना चाहिए, सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ। बिहार हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई? नोट कर लो, 3 फरवरी 1916। इसका सही उत्तर होगा 3 फरवरी 1916। डेट भी लिख दो, 3 फरवरी 1916 को बिहार हाई कोर्ट की स्थापना की गई। 3 फरवरी 1916, 3 फरवरी 1916 बिहार हाई कोर्ट की स्थापना की गई। नेक्स्ट आइए आगे, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार का राजकीय भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? बिहार का राजकीय भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? जल्दी से उत्तर दीजिए, बिहार का राजकीय भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? सभी लोग जल्दी जल्दी उत्तर दे दीजिए, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू, जल्दी से बताओ सभी लोग, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ, जल्दी से जुड़ जाओ, आंसर कर दो भैया। मजेदार प्रश्न, आसान प्रश्न, इसमें जिसका 100 में 100 आंसर आएगा मैं समझूंगा कि सामान्य ज्ञान उसका ठीक है। सही उत्तर हिंदी और उर्दू, हिंदी और उर्दू को बिहार का राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। आगे आइए, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है भाई? जल्दी उत्तर दे दो, बिहार का राजकीय वृक्ष बेल, पीपल, आम या नीम? जल्दी बताओ, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? जल्दी से बताइए, मिशन 50 वाले संतोष जी जल्दी से उत्तर दीजिए, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आसान सा प्रश्न है भैया, लेकिन बहुत बड़ी गलती करवा सकता है। पीपल, बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल। भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला? पीपल वृक्ष के नीचे। भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला? पीपल वृक्ष के नीचे। संबोधि इसको बोलते हैं, भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या बोलते हैं? संबोधि या एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट बोलते हैं। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि, पीपल पेड़ के नीचे हुआ ज्ञान महात्मा बुद्ध को, इसीलिए पीपल वृक्ष को क्या बना दिया गया। वैसे बिहार का नाम बिहार भी पड़ा है, बिहार का नाम बिहार पड़ा है, बौद्ध भिक्षुओं का रहने का जगह, बौद्ध भिक्षु जहां रहते हैं उसको बिहार कहते हैं, उसी नाम पर बिहार का नाम बिहार भी पड़ा है। राजकीय वृक्ष पीपल, आगे आ जाओ भैया, राजकीय वृक्ष हो गया, राजकीय पुष्प। बिहार राज्य का राजकीय फूल ऑफिशियल फ्लावर कौन सा है? कमल, गेंदा, कमल, गेंदा, गुलाब, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए, जल्दी बताइए भैया, बिहार का राजकीय पुष्प। हाँ भाई, पीपल वृक्ष को कटवा दिया था, बोधि वृक्ष को पहली बार किसने कटवाया? गौड़ वंश के राजा शशांक। बोधि वृक्ष को पहली बार किसने कटवाया था? गौड़ वंश के राजा शशांक। बोधि वृक्ष को पहली बार किसने कटवाया था? गौड़ वंश के राजा शशांक। इसका सही उत्तर होगा गेंदा, गेंदा का फूल। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है जी? गेंदा। नोट कर लीजिए, अब पूरे भारत का राजकीय पुष्प, पूरे भारत का राजकीय पुष्प कौन सा भैया? कमल। पूरे भारत का राजकीय पुष्प कौन है? कमल। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है जी? बिहार का राजकीय पशु, भारत का राजकीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर। भारत का राजकीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राजकीय पशु 1972 से है, 1972 से पहले था लायन। भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु पहले कौन था? लायन। पहले था लायन, लेकिन 1972 के बाद क्या हो गया? रॉयल बंगाल टाइगर। अभी मैं पूछ रहा हूं, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? गाय, बैल, भैंस या घोड़ा? जल्दी से उत्तर दीजिए, कौन सा है बिहार का राजकीय पशु? इसका सही उत्तर क्या होगा जी? बैल। बैल बिहार का राजकीय पशु है भैया, बैल या साड़ा बोल सकते हैं। नेक्स्ट आइए, बिहार का राजकीय पक्षी बर्ड, नेशनल
नेशनल बर्ड कौन सा है? पीकॉक, मोर। भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। पूछ रहा है बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है भाई? सभी लोग आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? नीचे आ जाइए एक मिनट, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है भाई, गोरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। अब आप लोग उत्तर दीजिए, और किस राज्य का राजकीय पक्षी गोरैया है? और कौन सा ऐसा राज्य है जिसका राजकीय पक्षी गोरैया है? कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी राजकीय पक्षी स्पैरो है? जल्दी बताओ, कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी राजकीय पक्षी कौन है भैया? गोरैया। कौन सा, जल्दी बताओ, और कौन सा राज्य है? जल्दी बताओ कोई उत्तर। दिल्ली, बिल्कुल सही। अर्चना यादव, बिल्कुल सही आपने कहा, दिल्ली। दिल्ली का नहीं, यूपी का नहीं, यूपी का राजकीय पक्षी है सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। दिल्ली का है गोरैया, और बिहार का भी है गोरैया। आगे बढ़ते भैया, नेक्स्ट आ जाओ। बिहार का, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? बिहार में कितने प्रमंडल? ये प्रश्न गलती किए तो समझ लो, नौकरी करनी है बिहार में, प्रमंडल की संख्या पता होना चाहिए, अनुमंडलाधिकारी बनोगे। चलो भैया जल्दी बताओ, बिहार में कितने प्रमंडल? 7, 8, 9 या 11? जब झारखंड बिहार में था तब 13 प्रमंडल थे। झारखंड बिहार में था तो कितने प्रमंडल थे? 13। लेकिन झारखंड अलग हो गया तो अब कितने प्रमंडल हैं भाई? झारखंड अलग हो गया तो बिहार में अब कितने प्रमंडल हैं? जल्दी से उत्तर दीजिए, सही उत्तर होगा 9। बिहार में कितने प्रमंडल हैं भाई? 9 प्रमंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। सभी लोग जल्दी से जुड़े रहो, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? कितनी है भैया जल्दी बताओ? 32, 34, 36, 38। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है भाई? कितनी है जल्दी से करते हैं, 38। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38। नेक्स्ट आइए, बिहार में अनुमंडल कितने हैं? ये प्रश्न का उत्तर दो, क्योंकि तुम्हें बनना है एसडीएम। बनना क्या है? एसडीएम। तो बढ़िया बताओ, अनुमंडलाधिकारी बनोगे, कैसे बनोगे? पता तो होना चाहिए, बिहार में कितने अनुमंडल? 95, 101 या 105? जल्दी उत्तर दो, बिहार में कितने अनुमंडल? बिहार में कितने अनुमंडल? बड़ी जेट रॉकेट की गति से आंसर लोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, यही आशा थी आप लोगों से। बिहार में कितने अनुमंडल? 101। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? जल्दी से उत्तर दो, बिहार में कितने विश्वविद्यालय? बिहार में कितने विश्वविद्यालय? सभी लोग आंसर कीजिए, बिहार में कितने विश्वविद्यालय? 21, 23, 25 या 30? 21, 23, 25 या 30? बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? रजिस्टर्ड गवर्नमेंट विश्वविद्यालय। बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? सभी लोग आंसर कीजिए, 21। रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, 21, वैसे 31 है। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या अगर इसे देखें तो 31 है, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 21 विश्वविद्यालय। एक प्रश्न आपसे मैं पूछता हूं, बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं? बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं और कहां कहां? जल्दी बताओ, बिहार में कितने, अगला प्रश्न यही है भैया, कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार में? बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। नया प्रश्न, बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय? बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय? 1, 2, 3 या 4? बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय? 1, 2, 3 और 4? जल्दी उत्तर दो, केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार में कितने? जिसका उत्तर आया है 2, उनका सही है। बिहार में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, पहला मोतिहारी में, पहला मोतिहारी, और दूसरा गया पंचानपुर। गया में एक जगह है पंचानपुर, नोट कर लीजिए। बिहार में पटना यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, उसको मत जोड़ लीजिए। बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय? 2। कहां कहां? पूर्वी चंपारण और गया, पूर्वी चंपारण और गया, नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है आज का सेशन द बेस्ट सेशन होने वाला है। बस ऐसे ही लगातार जुड़े रहिए, ताकत बनाए रखिए, झोंक दीजिए इस 45 दिन में सब कुछ, क्योंकि जो करना है उस 45 दिन में ही होगा। 45 दिन के बाद अगर नहीं करते हैं तो
पछतावा के सिवा कुछ नहीं होगा। इतना बेहतरीन सुनहरा मौका, इतना अधिक सीट, 800 से ऊपर सीट, इतना बेहतरीन पोस्ट, बहुत बाद आएगा, इसके बाद बहुत दिन बाद मिलने वाला है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जल्दी बताइए। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल वाला कौन है? बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला पश्चिमी चंपारण। और बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला पटना, नोट कर लीजिए। आगे आते हैं, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जल्दी बताओ, ये जो बताएगा समझेंगे आप मेहनत कर रहे हो। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला मुंगेर, शेखपुरा, सीतामढ़ी या मधेपुरा? बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सभी लोग जल्दी से आंसर कर दो, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है जी? इनमें से मुंगेर। सबसे कम वाला कौन है भैया? मुंगेर। और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला? रोहतास। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला? गोपालगंज। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात, सबसे ज्यादा लिंगानुपात गोपालगंज, सबसे ज्यादा साक्षर रोहतास। चलो भैया, बिहार में सबसे अधिक लिंगा, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर दीजिए, कौन सा है भैया बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला? चलिए सही उत्तर क्या होगा भाई? चलिए सहरसा। चलिए तो सब लोग इसको नोट कर लीजिए और इसका एक नोट्स बना लीजिए, बिहार स्पेशल का एक अलग से नोट्स बनाइए। हमेशा खुश रहिए। कैसा लगा सेशन एक बार कमेंट करके बता दीजिए, और सेशन को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा जहां इसका PDF आपको मिल जाएगा। मिलते हैं कल इसी समय पर इसी बेहतरीन सेशन के साथ, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभकामना।